नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिनका उत्तर यदि आप जानते हैं तो आप बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को जानने और उनके उत्तर को जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो समय पर मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किस इकाई में? तो इसके लिए चार ऑप्शन है, नंबर ए कैलोरी में, बी सेल्सियस में, सी केल्विन में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कैलोरी में। अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए भी चार ऑप्शन है, ए हाइग्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर या फिर डी थर्मामीटर। तो सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए हाइग्रोमीटर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके लिए भी चार विकल्प आपके सामने हैं, ए हाइड्रोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी बैरोमीटर या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान सवाल है, शायद आपको इसका उत्तर आ चुका है। तो इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर, बी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? बहुत आसान सवाल है, इसके लिए भी चार ऑप्शन है, ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी थॉमसन या फिर डी रदरफोर्ड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी थॉमसन। तो आपने शायद यही सोचा था। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है, अर्थात पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व? इसके लिए भी चार ऑप्शन है, ए लोहा, बी शीशा या फिर सी हीरा या लास्ट ऑप्शन है डी टंगस्टन। सोचिए क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर है सी हीरा, जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किस साल शुरू हुआ? किस वर्ष भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन होने लगा? इसके लिए भी चार ऑप्शन है, ए 1956 1956, बी 1969 1969, सी 1971 1971 या फिर डी 1974 1974। शायद आपने इसका सही उत्तर सोच लिया है। इसका सही उत्तर है बी 1969 1969। तो भारत में 1969 में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो चुका था। अगला प्रश्न, एलिसा परीक्षण कौन सी बीमारी पहचानने के लिए किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है। इसके चार ऑप्शन है, ए क्षय रोग, बी एड्स, सी मधुमेह या फिर डी टीवी। शायद आपने इसका सही उत्तर सोच लिया है।
इसका सही उत्तर है बी एड्स। एड्स की जांच करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, बायोडीजल पौधा है अर्थात किस पौधे से बायोडीजल प्राप्त होती है। इसके चार ऑप्शन है, ए जावा घास, बी सरसों, सी बबूल या फिर डी रतनजोड़। आपको इसका उत्तर आता है, शायद आपने सोच भी लिया है, तो चलिए हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर है डी रतनजोड़। जेट्रोफा जिसको बोलते हैं, तो उसके पौधे से बायोडीजल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था। इसके उत्तर के लिए चार विकल्प हैं, ए सी वी रमन, बी एच जे भाभा, सी एस चंद्रशेखरन या फिर डी एच खुराना। भारतीय वैज्ञानिकी थे जिन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। सही उत्तर है सी एस चंद्रशेखरन, इन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हमारा आखिरी प्रश्न, डाटा के प्रेषण की गति को किससे मापा जाता है। जो भी हम डाटा भेजते हैं किसमें उसको नापते हैं। इसके ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज, बी संप्रति प्रति सेकेंड, सी बिट प्रति सेकेंड या फिर डी नैनो सेकेंड। सवाल बहुत आसान है, उतना ही आसान जवाब शायद आपको आता है क्योंकि डाटा का प्रयोग आप सभी करते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी बिट प्रति सेकेंड। तो ये 10 प्रश्न हमारे यहां पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।